अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पर ऐसा निकाह नहीं होता है बिल्कुल फेस टू फेस ऐसे सामने। मेरे ख्याल से वहाँ भी गर्ल्स अलग रूम में होती है, बॉयज अलग रूम में होते हैं। हे गाइज, वेलकम बैक टू एम ब्रोज रिएक्शंस। गाइज, वी आर बैक अगेन आफ्टर लॉन्ग टाइम। आप सबको पता ही है, कम्युनिटी पोस्ट देखा होगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल तो नहीं कह सकते, 80% हाँ पूरा ठीक हो चुका हूँ, बट फुल्की सी वीकनेस है बस, हाँ कुछ भी नहीं। सो गाइज, आज हम रिएक्शन करने वाले हैं जुल्करनैन और कावल आफ्ताब की वेडिंग पर, और उनके वेडिंग के बहुत सारे टिकटॉक्स हमें हमारी एक फॉलोअर ने सेंड किए हैं, जिनका नाम है फीबा डैनियल। सो हमने इनका इंस्टाग्राम भी चेक करना था, क्योंकि इंस्टाग्राम पे जो टिकटॉकर्स है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, और अपनी शादी की फोटोज़ डेफिनेटली इन्होंने डाली होगी। तो मैंने जुल्करनैन का ऑन कर लिया है इंस्टाग्राम, और सिर्फ यहाँ पर मुझे 2-3 फोटोज़ ही देखने को मिले, जैसे कि एक ये है, आई लव द वे यू लुक एट मी, क्या बात है, क्या कैप्शन लिखा है, और दोनों साथ में सच में बहुत अच्छे लग रहे हैं। ड्रेस, दोनों का ड्रेस कोड जो है कमाल का लग रहा है, और भी फोटोज है, क्या बात है यार। ये पोज जो कैमरा अपनी बीवी का माथा चूम कर उससे इजहारे मोहब्बत करना सुन्नत रसूल है, क्या बात है। और साथ में इनकी लव मैरिज है, और लव मैरिज की तो क्या ही बात होती है यार, अपनी मर्जी का लाइफ पार्टनर आपको मिले उससे अच्छी बात और हो ही नहीं सकती है। ये इनका शादी का कार्ड है, जो कि मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा था। शादी के कार्ड में इन्होंने इनका फोटो लगाया है, हाँ फोटो लगाया है, इसमें थोड़ा सा इफेक्ट डाला हुआ है, और देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। ब्राइड कावल ग्रूम जुल्करनैन निकाह मुबारक। कावल आफ्ताब का इंस्टाग्राम भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर उनका एक फोटो देखने को मिल रहा है शादी का, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सा लग रहा है। अल्टीमेट, और यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है जुल्करनैन की दुल्हन से माशाल्लाह प्लीज। बिल्कुल, कितनी प्यारी इनकी स्माइल यहाँ पर लग रही है, और ये दो फोटोज भी बहुत ही अच्छे हैं, इनका ड्रेस भी बहुत अच्छा है। और एक ये फोटो भी देख सकते हैं गाइज, ये फोटो में कैप्शन इन्होंने कुछ उर्दू में लिखा है, आप हमें पढ़ के बताना क्या कैप्शन है, बट दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। फोटो बहुत अच्छा है, और फोटो शूट भी कमाल का हुआ है, ये वही वाला है जो जुल्करनैन ने भी डाला हुआ है। हाँ, दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं सच में साथ में। सो गाइज, लव मैरिज के बहुत फायदे हैं, अपनी मर्जी का पार्टनर चूज करोगे तो खुश रहोगे, तो शादी बहुत बड़ा डिसीजन होता है, और आगे जाके कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद की होती है। हाँ, और शादी बहुत बड़ा डिसीजन होता है तो सोच समझ कर ही करना चाहिए, इन्होंने कर लिए, दोनों काफ़ी अच्छे भी लग रहे हैं, खुश भी लग रहे हैं। तो गाइज, इनके इंस्टाग्राम पे तो हमने देख लिए, ज़्यादा वेडिंग के पोस्ट नहीं है, लेकिन एक बहुत ही कमाल की चीज़ इंस्टाग्राम के बारे में ही अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। काफ़ी लोग पूछते थे मुझसे कि यार इंस्टाग्राम पे कैसे फॉलोअर्स बढ़ाए जाएँ, तो बहुत ही कमाल का ऐप मिला है उन लोगों के लिए। इस ऐप का नाम है फॉलो इंस्टा। फॉलो इंस्टा एक ऑफिशियल ऐप है, और यहाँ पर आपको प्ले स्टोर में ये फ्री में देखने को मिल जाता है, आपको जाके सिर्फ इसे डाउनलोड कर लेना है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका दे दूंगा। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कुछ इसका इंटरफेस ऐसा दिखता है, यहाँ पर हमें सिर्फ लाइक करना होते हैं, यहाँ पर लाइक करने के हमें 20 कॉइन्स मिलते हैं, आप देख सकते हैं ऊपर जो है मेरे 14,000 कॉइन्स है, और वो क्रेडिट होते जा रहे हैं जैसे जैसे मैं लाइक कर रहा हूँ। तो अब हमें यहाँ पर फॉलोअर्स बढ़ाना है, तो हम यहाँ पर आ चुके हैं, और यहाँ पर हम सबसे पहले सबसे ऊपर वाला 7,000 वाला जो है अमाउंट वो सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर हमें 50 फॉलोअर्स मिलेंगे, साथ में 10 लाइक्स भी मिलेंगे। तो यहाँ पर गेट फॉलोअर्स पर क्लिक किया, और आप देख सकते हैं कॉन्ग्रेट्स लिखा हुआ आ चुका है, इसका मतलब हमारे फॉलोअर्स जो है बढ़ चुके हैं। हम देखते हैं नए फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे आए हैं या नहीं आए। तो अगर मैं नोटिफिकेशंस में जाता हूँ, अब रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कितने सारे लोगों ने मुझे फॉलो कर लिया है 2 सेकंड्स अगो 3 सेकंड्स अगो। और गाइज, ये फॉलोअर्स की प्रोफाइल भी आप देख सकते हैं, ये एकदम जेन्यून फॉलोअर्स है, या ये नहीं कि डेड प्रोफाइल्स है, जेन्यून फॉलोअर्स है। तो गाइज, ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके डाउनलोड करें और अपने फॉलोअर्स बढ़ाएं। तो गाइज, अब हम देख लेते हैं जुल्करनैन और कावल आफ्ताब की वेडिंग के टिकटॉक्स, एंड उनका जो ऑफिशियल एक वीडियो आया था उनकी वेडिंग का, वो भी देख लेंगे। तो ये वीडियो जो है एस खान शादी यूट्यूब चैनल की तरफ से है, ऑफिशियल एल्बम निकाह एल्बम है, तो देखते हैं इसको और आगे डिस्कशन करेंगे। शुरू करते हैं, हियर वी गो। निकाह सेरेमनी, वाओ ये क्या लिखा है, नाइस शॉट यार, बहुत बढ़िया है। क्या बात है, मास्क भी लगाया हुआ है इन्होंने हाथ में। ये जुल्करनैन है, जुल्करनैन ने भी मास्क लगाया हुआ है। क्या सॉन्ग लगाया है यार, क्या बात है, चांद निकल गया भाई जुल्करनैन।
चांद निकला वाली लाइन पे जुल्करनीन का चेहरा दिखाया। ये साइन करते टाइम लगता है करूं या नहीं करूं, ऐसा आपके माइंड में आता है यार करूं या नहीं करूं, क्या होगा करने के बाद? वाओ मेहंदी का है, मेहंदी हल्दी जो भी, मायो मायो बोलते हैं, मायो बोलते हैं ना पाकिस्तान में। एकदम उनका फेस भी येलो येलो सा हो रहा है। हाँ हल्दी लगाई भी है, ड्रेस भी येलो है। जिस तरह से गले में से बेस्ट फ्रेंड होगी इनकी 100% श्योर। बिल्कुल वाओ ये निकाह का है। सदा खुश रहो, ये गाना तो कंपलसरी यार शादियों में, शादी में ये गाना तो होता ही होता है। मुबारक हो ये मिठाई खिला रहा है वो बोल रही है। इनके ब्रदर का बड़ा नहीं यार, छोटे कर लिए उन्होंने पूरा खिलाना है। मिठाई खा खा कर ना थक जाते हैं ब्राइड्स और ग्रूम्स। हाँ यार जबरदस्ती खिला दिया यार पूरा मुंह में। ओहो ये गाना भी बड़ा प्यारा लगता है। बिल्कुल शादियों के गाने सुनने का भी अलग ही मजा है। ये सब इनके फ्रेंड्स का ग्रुप होगा। आई होप इस पे कॉपीराइट ना हो। इनके सारे टिकटॉक्स ऐसे ही बने होंगे क्योंकि इनको तो टाइम होगा नहीं बनाने। हाँ, के लिए मैं वही सोच रहा था कि इन्होंने टिकटॉक कैसे बनाए होंगे इनकी शादी में, तो वो इसी तरह से बने होंगे, किसी फ्रेंड ने बनाया सब वीडियो शूट किए हुए। बिल्कुल ये इन्होंने लिया। क्या ही बात है, ये निकाह के लिए आते हुए है ना। निकाह और निकाह के टाइम ये गाना भी कंपलसरी होता है। है ना, जमी पे दूल्हे का सोहरा है। ये वाला गाना बहुत अच्छा है, सॉन्ग सभी अच्छे हैं यार, देखकर अच्छा लग रहा है और दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं साथ में। पैसे लुटा रहे हैं ऊपर से। एक बात तो मानना पड़ेगी, इंडिया और पाकिस्तान की शादियों में जो सॉन्ग्स होते हैं सिमिलर होते हैं, सिमिलर होते सब, और मिलती जुलती शादी होती है। हाँ सिमिलर ही होती है शादियाँ भी, बस कुछ चीज़ों के नाम चेंज कर दिए जाते हैं रस्मों के। ये सब दोस्तों के साथ है ना। बिल्कुल सब टिकटॉकर्स होंगे मुझे लगता है जितने भी है। हाँ, सब टिकटॉकर ही होंगे। हाँ अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पर ऐसा निकाह नहीं होता है। बिल्कुल फेस टू फेस ऐसे सामने, मेरे ख्याल से वहाँ भी गर्ल्स अलग रूम में होती है, बॉयज अलग रूम में होते हैं। मेरे ख्याल से वहाँ भी नहीं होता होगा, सिर्फ सेलिब्रिटीज का ही ऐसे होता होगा। हाँ ये हो सकता है कि सेलिब्रिटीज का इस तरह से होता हो। वाओ ये क्लिप्स लिए हुए हैं। क्या बात है। ओ यार ये क्या बात है, मुंह दिखाई यही हो गई। हाँ है किना नहीं जाएगा आपसे, हमें इतना प्यार है और आप हाँ तो करो, हम तो जान देने को भी तैयार हैं। दिल कट मेरा वेखला।
वाह क्या शॉट है यार, ये प्रोफेशनल्स ने लिया हुआ है बिल्कुल। ये मेरे ख्याल से जो इनकी शादी की वेडिंग फिल्म्स जो बनाई होगी उन्होंने लिया। ये थोड़ा सा इमोशनल सा मोमेंट है। इनकी अम्मी तो नहीं है? अम्मी ही लग रही पॉसिबल है। ये जुल्कर ने इनकी मेहंदी का है। वाओ उस पे कुछ लिखा हुआ है, देख नहीं रहा क्लियर। सबको कबूल। मजा आता है यार शादियां देखने में। ये एकदम सिंपल सा लुक है, इसमें भी कितनी क्यूट लग रही है। मेहंदी लगाई होगी ना उस दिन। तू कल्ला ही सोना नहीं क्या पूछा यार, ये इनकी शादी का है या फिर ये मुझे लग रहा है किसी शूट का लग रहा है मुझे। ये डेकोरेशन पूरा पीछे भी पूरा शादी टाइप है, हो सकता है शादी का और रिसेप्शन का हो सकता है। सो गाइस सारे वीडियोस देख लिए और देखकर बहुत ही खुशी हुई कि जुल्कर नैन और कामल की शादी हो चुकी है। हम दोनों की तरफ से उन दोनों को बहुत बहुत मुबारक, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप ऐसे खुश रहें और वीडियोस बनाते रहें और इंटरटेन करते रहें लोगों को। बिल्कुल बहुत अच्छा लगा सब देखकर, और काफ़ी अच्छा लगता है जब इस तरह से हम किसी वेडिंग पर रिएक्शन करते हैं तो। और इनके बहुत सारे फैंस हमसे डिमांड कर रहे थे कि इनकी वेडिंग पर रिएक्शन करो, तो गाइस कर दिया है। और ये हमारा कमबैक वीडियो है, आप सबको पता है मैं बहुत टाइम से तबीयत ठीक नहीं थी, तो ये हमारा कमबैक वीडियो है। सो दो वीक हो चुके हैं, दो वीक से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था कोई, तो अब फाइनली हम आ चुके हैं और होपफुली हम अब कंटिन्यू वीडियोस बनाएंगे आप लोगों के लिए। तो गाइस कैसा लगा आपको हमारा रिएक्शन कमेंट करके बता दो, अच्छा लगे तो कर देना लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन मेक लव नॉट वॉर।